हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 को लेकर लगातार बस बना हुआ है रोहित शेट्टी का। इस बार जो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 है, ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा टफ होने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ रोहित शेट्टी का जो ये गेम है, इसको लेकर जो कंटेस्टेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। स्टार्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और अब ऐसे में कई सारे कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं इस सीज़न को लेकर, लेकिन मैं अब आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में इस शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम, जिसने कि खुद ही कर दिया है अपने नेम को अनाउंस। जी हाँ, कौन है वो खिलाड़ी, चलिए आपको बताऊंगी। लेकिन गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब माय चैनल गॉसिप टाउन। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ कि शिव ठाकरे इस शो में आने वाले हैं। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर धूम मचाने वाले शिव ठाकरे अब खतरों का गेम खेलने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद हालिया एक इंटरव्यू में किया है। शिव ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए। वो लंबे समय से इस शो में एंट्री को लेकर इंतज़ार कर रहे थे और अब फाइनली उनका ये सपना पूरा होने वाला है। वो अपने तमाम डरों पर काबू पा चुके हैं। अब वो इस शो में आकर खतरों के जो गुरु है यानी कि रोहित शेट्टी, उनके सामने इन तमाम खतरों को उनकी गाइडलाइंस के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये बात तो तय है कि जो शिव ठाकरे हैं वो बहुत ज़्यादा ही है एक्साइटेड रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए। तो गाइज, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। माना जा रहा है कि ये जो शो है ये जुलाई से टीवी पर टेलीकास्ट होगा, लेकिन मई में जितने भी कंटेस्टेंट फाइनलाइज होंगे वो केप टाउन के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर शुरू हो जाएगी इस टफेस्ट गेम की शूटिंग। इस वीडियो में इतना ही।